राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साल 2021 अब बस कुछ पलों का है और हम फिर नए साल की शुरुआत करेंगे। ये मेरा आखिरी वीडियो है इस साल का और आखिरी संदेश है इस साल का आप सब लोगों के लिए। एक बार मेरी माँ ने मुझसे पूछा कुछ सालों पहले कि बेटा, श्री राम का वनवास 14 साल का था और पांडवों का वनवास 13 साल का था, लेकिन हमारे जीवन का वनवास का अंत क्यों नहीं हो रहा है, जब उनके वनवास का अंत हो सकता है तो हमारे जीवन में इस वनवास का अंत क्यों नहीं हो रहा है। ये और बात है, उस समय मैं अपनी माँ को कुछ बोल नहीं पाया, उसका जवाब दे नहीं पाया, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं ना सिर्फ अपनी माँ को जवाब देना चाहता हूँ बल्कि आप लोगों को भी एक जवाब देना चाहता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। ऐसा कोई भी इंसान है इस धरा पर, मैं फिर से दोहराता हूं, ऐसा कोई भी इंसान है इस धरा पर जिसने सत्य के कारण अपने जीवन में वनवास को भोगा है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साल 2022 आपके वनवास का अंत है। साल 2022 जो कि आने वाला है वो आपके वनवास का अंत करेगा और आपके नए जीवन की संरचना करेगा। मैंने एक बार द केओस थ्योरी का अध्ययन किया था और जब मैंने उसका अध्ययन किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो ना सिर्फ मुझसे जुड़ा है बल्कि कहीं ना कहीं उन लोगों से जुड़ा है जो आने वाले समय में मुझसे जुड़ेंगे या मैं जिनसे जुड़ूंगा, क्योंकि ये प्रकृति आपस में इंटरलिंक्ड होती है। हर एक पल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और हर एक इवेंट एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है। आज इस परिवार में ना सिर्फ मैं हूं बल्कि आप सब भी इस परिवार का हिस्सा हैं। तो जो इमोशंस मैं महसूस करता हूं अपने अंदर, वो इमोशंस सिर्फ मेरे नहीं हैं बल्कि इसमें कहीं ना कहीं आप भी हैं। इसलिए उसी विश्वास के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जो भी इस एम्ब्रांस फैमिली का हिस्सा है और इसके अलावा जो भी इस धरा में है, जो इस धरा में है और सत्य के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं लेकिन आज तक उन्होंने उस रोशनी को अपने जीवन में पाया नहीं है, तो यकीन मानिए 2022 आपके जीवन में वही रोशनी लेके आएगा, वही रोशनी लेके आएगा जिस रोशनी का आपने सदैव इंतजार किया है अपने जीवन के अंदर। बहुत मुश्किल होता है, बहुत जटिल होता है जब इंसान सच्चा होने के बावजूद उसको बार बार परीक्षा देनी पड़ती है, और फिर कहीं ना कहीं उसके मन में, उसके हृदय में ये प्रश्न उठता है, लाजमी है कि ईश्वर है या नहीं, या उसने अपनी आंखों को बंद करके रखा है। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ईश्वर है और उसने अपनी आंखों को बंद नहीं किया है। आपने इस जर्नी में जो भी खोया है वो इसलिए खोया है क्योंकि ईश्वर आपको वो प्रदान करना चाहता है जिसका आप अधिकार रखते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि ईश्वर हमें भीख नहीं देता, ईश्वर हमें अधिकार देता है, और अगर आपने इस बात का सृजन किया है तो यकीन मानिए अब वो समय अधिकार का है।
आपके जीवन में जो समय है वो अधिकार का है, और वो अधिकार आप ही का है जो आपको मिलने वाला है। और एक बार जो हमें ईश्वर प्रदान करता है, किसी के अंदर वो ताकत नहीं होती कि वो हमसे वो छीने ले। तो अब आपके जीवन में आपको जो भी प्राप्त होगा वो वही देगा, वही देगा। और जो आपका अधिकार है, जो आपकी यात्रा है जीवन की, उसी स्वरूप आपको वो परिणाम मिलने वाला है। ये मेरा आखिरी वीडियो है 2021 का, मेरा आखिरी मैसेज है मेरी सोल फैमिली के लिए। लेकिन मैं इतना वादा करता हूं आप लोगों से, अगर आप अब तक ये सोच रहे हैं कि मैंने आप लोगों को 5 साल के अंदर जो भी दिया वो मेरा बेस्ट था, तो मैं आपको दोबारा ये कहना चाहूंगा, वो मेरा बेस्ट नहीं था। आई रिपीट, वो मेरा बेस्ट नहीं था, क्योंकि बेस्ट की शुरुआत तो अब होने वाली है, बेस्ट की शुरुआत तो अब होने वाली है। जैसे जैसे हम 2022 में आगे बढ़ेंगे, आपको वो जो बेस्ट है मेरे अंदर अपने आप से नजर आने लगेगा, अपने आप से नजर आने लगेगा। और ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा विश्वास है उस परमपिता परमेश्वर पर, उस श्री कृष्णा पर, उस श्री राधे कृष्णा पर, जिसने मुझे उस अग्नि में जला के वो बनाया है जो मैं बनना चाहता था सदैव। और उसी विश्वास के साथ आज मैं आपको कह रहा हूं, माई बेस्ट इज येट टू कम, माई बेस्ट इज येट टू कम, एंड आई विल मेक यू प्राउड, आई विल मेक यू प्राउड इन योर लाइफ। कि आप किसके साथ जुड़े हैं, इस बात के लिए आप हमेशा गर्व करेंगे। इससे अधिक नहीं कह पाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रेम आप मुझे दे रहे हैं उससे 100 गुना बढ़कर, 1000 गुना बढ़कर वही प्रेम आपके जीवन में ईश्वर लौटाएगा, वो लौटाएगा आपको। और ये मेरी मन की अभिलाषा नहीं है, ये सिर्फ मेरी अभिलाषा नहीं है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी बिलीफ है उसके प्रति। और मैं यकीन से कहता हूं 2022 में इस बिलीफ से आप सब जुड़ेंगे और आप यही कहेंगे कि वाकई ईश्वर है, श्री राधा कृष्णा हमेशा हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को बहुत शुभकामनाएं ही देता हूं आने वाले वर्ष के लिए, और सदैव ये प्रार्थना करता हूं, करता रहूंगा कि आपके जीवन में आप वो पाए जो आप अधिकार रखते हैं पाने का। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी यात्रा में यहाँ तक मुझे लाने के लिए, अपना साथ देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।